अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? इंशाअल्लाह ताला आप अपने घरों में खुश और आबाद हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह से हम भी सब अच्छे हैं। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डेली रूटीन बाय रिजवाना गब्बल में आप सबको वेलकम है जी। तो अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ज़रूर टच करना ताकि जो मेरी अगली वीडियो आए इसके आपको नोटिफिकेशन आ जाए। और एक लाइक ज़रूर कर देना और जो मेरी वीडियो को लाइक करते हैं उन सबको मेरी तरफ से थैंक यू सो मच है जी। तो आज यह है कि जुम्मा है, रमज़ान मुबारक का दूसरा जुम्मा है, तो सबको जुम्मा मुबारक है जी। और मैं आपको आज मेरे जुम्मे की जो रमज़ान की रूटीन हो पूरी आपसे शेयर करूँगी और दुआ करेंगे हम सब मिलके कि इस ख़तरनाक बीमारी कोरोना वायरस जैसी ख़तरनाक बीमारी से हम सबको निजात मिले और अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे और आसानियाँ हो जाए। अल्लाह ताला रहम करे। आज सब आज जुम्मे का दिन है तो सब आयत करीमा पढ़े और दुआ करे अल्लाह ताला से कि हमको इस बीमारी से निजात दे। तो देखिए यहाँ पे जोहर का टाइम हो गया है तो अभी हम नमाज़ पढ़ लेंगे और सबके लिए दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ पैदा करे और जो भी मुश्किलात है सब अल्लाह ताला रहम करे और सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे और इस कोरोना वायरस जैसी बीमारी से सबकी हिफाजत फरमाए। ये अल्लाह कितनी मुश्किल की घड़ी है, सब में जहाँ पर देखो वहाँ पर ना जाने कैसी कैसी बातें सुनने मिलती है। और जोहर की नमाज़ अदा करने के बाद देखें यहाँ पे हमें सूरह यासीन और सूरह काफ पढ़ लेती हूँ। हमेशा मेरा जुम्मे का रूटीन होता है कि मैं सूरह काफ इंशाअल्लाह ताला ज़रूर पढ़ती हूँ और आप सबके लिए भी दुआ करती हूँ मेरे दुआ के साथ साथ कि अल्लाह ताला सबको नेक औलाद से नवाज दे और सबके रिज़्क में बरकत अता फरमाए और सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। और ज़्यादा से ज़्यादा आज आयतल करीमा की तस्वीर पड़ी है, ला इला इल्ला अंता सुभानका इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन। इस मुसीबत के आलम से हम बाहर निकल आएँ सब लोग और हमारे लिए इस रमज़ान मुबारक में आसानियाँ अल्लाह ताला कर दे। और देखिए यहाँ पे मैंने सूरह यासीन और सूरह काफ और सूरह रहमान पढ़ने के बाद अब मैं यहाँ पे जो है मुझे फालूदा बनाना था तो यहाँ पे मैं किचन में आ गई हूँ। तो आज मैं बनाऊँगी कस्टर्ड पाउडर। तो 6 पैकेट थे इसमें से, तो अलवीरा को बोला मैंने कौन सा बनाना है तो वो बोले कि यहाँ पे आज हमें बनाना है स्ट्रॉबेरी। तो स्ट्रॉबेरी का फ्लेवर तो अच्छा ही होता है। तो देखें यहाँ पे मैंने दूध गर्म कर लिया है, तो यहाँ पे मैंने 1 लीटर दूध लिया है, वो फुल फैट वाला दूध लिया है। तो इसमें से मैंने मलाई नहीं निकाली है, उसमें मैंने चीनी ऐड कर दी है। तो बहुत ज़्यादा चीनी मैंने ऐड नहीं की क्योंकि बहुत मीठा नहीं खाया जाता है, इसलिए मैं थोड़ी कम चीनी डालती हूँ। और यहाँ पे देखिए कस्टर्ड पाउडर ले लिया है। अब इसे आप चाहे तो पानी में घोल सकते हैं या चाहे तो आप इसे दूध में भी घोल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा भी पानी ऐड नहीं किया था, ये 1 लीटर दूध ही लिया था। तो ये दूध में बहुत अच्छी जमती है जो कस्टर्ड है वो। तो देखिए यहाँ पर मैंने थोड़ा दूध ऐड करके इसे अच्छे से मैंने देखिए मिक्स कर लिया था, तो लम्प्स नहीं रहने चाहिए। तो इस तरह से ये स्ट्रॉबेरी फ्लेवर बहुत अच्छा होता है और बच्चों को तो खाने में बहुत ही मज़ा आता है, अच्छा लगता है इनको। तब देखिए हम थोड़ी थोड़ी देर बाद इसे चला के डालेंगे, एकदम से इसे नहीं डालना है नहीं तो ये चिपक जाएगा तले में। तो देखिए यहाँ पे इस तरह से हम बना लेंगे। और इसका कलर है ना बहुत ही अच्छा वाला पिंक, बेबी पिंक होता है ना ऐसा पिंक लग रहा था, एकदम घाटा पिंक नहीं था और खाने में भी माशाल्लाह से बहुत अच्छा था, सबको पसंद आया। और ये बना लेती हूँ ना एक बार तो मेरे 2 दिन तक चल जाता है क्योंकि अभी रमज़ान में रोज़े होते हैं इसलिए इतना ज़्यादा कुछ खाया नहीं जाता। तो ये 1 लीटर का बनाती हूँ तो आराम से 2 दिन तक हो जाता है, फ्रिज में रख देती हूँ तो एक दिन में तो कुछ भी इतना सारा नहीं खाया जाता, 2 दिन तो हो जाते हैं तो 2 दिन तक ये चलता है। तो एक बार जमा लेना 1 लीटर की, तो 1 लीटर की ही ये जो पैकेट आता है वो 1 लीटर का ही होता है, तो आधा लीटर में कैसे बना, इसलिए मैं 1 लीटर का बना लेती हूँ और 2 दिन तक चल जाता है। 1 लीटर पूरा दिन का जो 2 बार बनाना और नहीं बनाना पड़ता और बना कर रख लेती हूँ तो 2 दिन ये चल जाएगा आराम से। तो देखिए यहाँ पर मैंने 2 प्लेट से वो जमा लिए हैं और फ्रिज में रख लिए हैं। और देखिए यहाँ पे असर की नमाज़ भी अदा कर ली है और फिर छत पे आई है तो यहाँ पे पंछियों को पानी भी डाल दिया था। और आज देखिए यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ यहाँ का व्यू कितना अच्छा है। तो आज
ज़रा भी धूप नहीं है। शाम के टाइम में एकदम से यहाँ पे ठंडी हवाएं चल रही है और यहाँ का मौसम बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो मैंने कहा कि चलो आपसे शेयर कर लेती हूँ, जैसे कि बारिश होने वाली हो इस तरह से लग रहा है। तो ये अभी असर का टाइम है और देखिए बिल्कुल भी यहाँ पे धूप नहीं है और इतनी अच्छी ठंडी हवाएं चल रही है। तो मैंने कहा कि चलो आज आपको यहाँ का मैं व्यू दिखा देती हूँ कि कितना अच्छा मौसम है। अल्लाह ताला सब रोज़ेदारों के लिए ठंडी हवाएं चालू कर दी है और गर्मी को थोड़ा कम कर दिया है। तो देखिए बारिश होने जैसा लग रहा था लेकिन बारिश तो बिल्कुल भी नहीं हुई है, बस ठंडी हवाएं चल रही थी यहाँ पे। तो देखिए बहुत अच्छा मौसम हो रहा था तो इतनी हवाएं तेज़ भी चल रही थी तो मज़ा आ रहा था। थोड़ी देर हम 5 से 10 मिनट तक छत पे ही रहे, मैं और अलवीरा। तो देखिए यहाँ पे हमें थोड़ी सी क्लिप भी बना ली थी और देखिए हम 10 मिनट तक छत पे रहे और बहुत अच्छा लगता था। ठंडी हवाएं जब रोज़ा होना तो ठंडी हवाएं खुली जगह में अच्छा लगता है, घर में एकदम से पेक पेक हो जाते हैं ना तो अच्छा नहीं लगता। नमाज भी पढ़ ले, सिपारे भी पढ़ लेते हैं, सब काम भी कर लेते हैं, इसके बाद फिर भी क्या है कि थोड़ा फ्री हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे छत पे आ जाते हैं तो मैंने आपको वो झाड़ दिखाया ना, वो ना जाने कैसे इसके पत्ते गिर गए हैं सब। और देखिए यहाँ पे इतनी तेज़ हवा चल रही थी कि मेरे आँख में भी कुछ गिर गया था, ना जाने क्या, इतनी आँख दुख रही थी मुझे। तो मैंने अलवीरा को बोला कि मेरी आँख में कुछ पवन के हिसाब से कुछ गिर गया है, देखो ना। तो बोले कि अच्छा मम्मा अभी नीचे जाके मैं आपको देखती हूँ कि आपकी आँख में क्या लग गया है। तो मैंने कहा चलो अब चलते हैं। तो अभी मासूरा के मैं बोल के आई हूँ, वो प्याज वगैरह कट कर लेंगे तब हम नीचे जाएंगे। और अभी सालन चराने का बाकी है, सालन बनाएंगे क्योंकि आज जुम्मा है तो अखनी है, तो सालन को मैं असर के बाद ही मैं बना लेती हूँ। देखिए यहाँ पे हम आ गए हैं और यहाँ पे मासूरा प्याज कट कर रहे हैं, तो उन्होंने प्याज कट करके रखी हुई है। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड भी आ गए थे तो यहाँ पे अंगूर लेके आए थे, तो उन्होंने बोला कि अच्छे से वॉश कर लेना। तो मैंने कहा कि हाँ चलो अभी मैं वॉश कर लेती हूँ। तरबूज और पपीता वगैरह अलवीरा काट रहे हैं, सब वो धो लिया है। और प्याज कट करने के बाद मासूरा वो शरबत बना रहे हैं गुड़ का। और यहाँ पे मैंने सालन भी चढ़ा दिया है और यहाँ पे मैं अंगूर वॉश कर लूँगी, अच्छे से इसे धो लूँगी। तो देखिए कुछ भी चीज़ें हैं जो फ्रूट है वेजिटेबल्स है वो आते हैं तो अच्छे से साफ़ कर लेते हैं, फिर ही घर में इसे हमें फ्रीज में स्टोर करते हैं। तो अभी बच्चों का भी ध्यान रखना है कि कोई खाने की चीज़ हो तो मुंह में ना डाल दे, इसलिए अभी ध्यान रखना है। तो वेजिटेबल्स भी आते हैं तो उसे अच्छे से वॉश करके नहीं फिर धूप में पेपर पे सुखा देते हैं और फिर फ्रिज में स्टोर करके रखते हैं। तो देखिए यहाँ पे फ्रूट तो कट कर लिया था, अब यहाँ पे गुड़ का शरबत बन रहा है, तो सबका ऑल टाइम फेवरेट है हमारा गुड़ का शरबत। और देखिए यहाँ पे मेरे हस्बैंड कचौरियाँ भी लाए हुए थे, ये खस्ता कचौरी है और ये खाने में बहुत ही अच्छी होती है। तो क्या है कि आज मैंने कुछ भी नहीं बनाया था खाने में, सिर्फ एक जो कस्टर्ड पाउडर है वही बनाया हुआ था और अखनी बनाऊंगी बस। तो आज मेरे हस्बैंड लेके आए थे क्योंकि बच्चियों ने रोज़ा रखा हुआ था तो कुछ बच्चियों को अच्छा लगे इसलिए वो लेके आए थे। तो ये खस्ता कचौरी सागर फूडलैंड की है और बहुत ही अच्छी होती है। तो मैंने जब आपसे शेयर किया था ना वो सागर फूडलैंड का, जब अलवीरा का बर्थडे था वही सागर फूडलैंड, तो वहाँ का खाना बहुत ही अच्छा, नाश्ता बहुत ही अच्छा होता है। तो देखिए यहाँ पे सब निकाल लेंगे, इसके साथ ये आई है सेव भी है और सिंग भी है, मसाला सिंग। तो देखिए यहाँ पे मैं सब निकाल लूँगी और मैंने बोला कि चलो अब इफ्तारी की तैयारी करो, तो अब टाइम होने लगा है। तो देखिए यहाँ पे सब कंप्लीट चीज़ें कर ली है बाहर। और यहाँ पे मैंने कहा कि थोड़ा काला खट्टा का शरबत भी बना लेते हैं क्योंकि अभी क्या है कि दिल हो जाए, जैसे जैसे इफ्तार का टाइम नज़दीक आता जाता है ना वैसे ही प्यास और बढ़ जाती है और जी करता है कि ये बना ले वो बना ले। और शरबत का तो पूछिए हिम्मत, इतना दिल होता है कि ऑरेंज का बना ले, काला खट्टा का बना ले, लेकिन थोड़ा कम यूज़ करते हैं गुड़ का तो का डेली बनता ही है। तो आज मैंने थोड़ा काला खट्टा का भी शरबत बना लिया था। तो अभी देखिए चाशनी कंप्लीट होती है ना शीशे की, तो इसमें सिर्फ पानी ही ऐड करना होता है, तो वो भी बना लिया था। और अब देखिए इफ्तारी का टाइम हो गया है तो यहाँ पे खजूरें निकालूंगी और फ्रूट तो सब निकाल लिया है फ्रिज में से, कट करके रखा हुआ था। तो देखिए आप भी सब आए हो हमारे साथ, इफ्तारी कीजिए, बिस्मिल्लाह कीजिए। तो देखिए यहाँ पे सब कुछ रख दिया है,
तो अल्लाह ताला जो है सबके दस्तरखान ऐसे ही सजाए रखे। मैं तो सबके लिए दुआ करती हूँ, सबके रिजक में खूब खूब बरकत अता फरमाए और अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। तो मैं भी आपके लिए सबके लिए हर नमाज में और ख़ास करके जब हम रोज़ा खोलते हैं उसके 10 मिनट बाद हम दुआ करने बैठ जाते हैं तो दुआ करती हूँ, तो आप भी अपनी दुआ में ख़ास मुझे भी याद रखिए, क्योंकि ना जाने किसकी दुआ अल्लाह ताला कब सुन ले क्या मालूम है। तो आप ये हमेशा सबके लिए दुआ करें, मैं भी सबके लिए दुआ करती हूँ, आप भी मेरे लिए दुआ करें। तो देखिए यहाँ पे शरबत में मैंने बर्फ़ ऐड कर दिया है और यहाँ पे काला खट्टे में भी मैंने थोड़ा ही बर्फ़ ऐड किया था, यहाँ बहुत मैंने बर्फ़ ऐड नहीं किया था। तो यहाँ पे सब दरूद पाक पढ़ रहे हैं इफ्तारी के टाइम पे, जितना ज़्यादा हो सके इतना हम दरूद पाक पढ़ते हैं और अल्लाह ताला से दुआ मांगते हैं। इस वक्त क्या है कि रोज़दार की हर एक दुआ कबूल होती है, अल्लाह ताला ने फरमाया है, तो सब अपनी दुआएं ज़रूर मांगा कीजिए। रोज़दार 10 मिनट पहले दस्तरखान पे बैठ जाया करिए। और देखिए यहाँ पे मैं शरबत भी सबके लिए भर के रख लूँगी। तो क्या है कि अभी रोज़ा इफ्तारी एकदम होने का टाइम हो गया है, तो इसके पहले ही मैं शरबत वगैरह सब भर के रख लेती हूँ, क्योंकि एकदम से खाना नहीं खाया जाता। एक खजूर खाते हैं फिर तो फौरन ही शरबत पीना पड़ता है, क्योंकि गला पूरा दिन सूख जाता है, इसलिए कुछ खाया नहीं जाता। तो देखिए अभी रोज़ा इफ्तारी हो गई है और नमाज़ भी मगरिब की पढ़ ली हुई, इसके बाद देखिए सालन भी हमारा बन गया था, तो अभी यहाँ पर मैं भून लूँगी और इसके बाद मैं अखनी बनाऊंगी। तो आज जुमा है तो हमारे यहाँ हर जुमे के दिन डेली अखनी होती है, बिरयानी भी हो लेकिन कभी कभी होती है, लेकिन हमारे यहाँ हर जुमे के दिन अखनी ही हमेशा होती है। तो देखिए आज मेरा जुमे का दिन पूरा रूटीन आपसे मैंने आपसे शेयर किया है कि रमज़ान मुबारक महीने भी हमारा रूटीन इस तरह से होता है। तो देखिए अब अखनी बना लूँगी और फिर मैं अखनी बनेगी तब ईशा का टाइम हो जाएगा, तो फिर हम नमाज़ पढ़ लेंगे और तरावी पढ़ेंगे, इसके बाद हम खाना खाते हैं। हम पहले खाना नहीं खाते हैं, हमारे पहले से ही आदत है कि ईशा की नमाज़ और तरावी के बाद ही हमेशा खाना खाते हैं, तभी बना कर रख दूँगी। तो क्या है कि नमाज़ पढ़ने के बाद फौरन हम खाना खाने बैठ जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा सालन भी भून गया आपसे बातें करते करते, तो यहाँ पे मैं आलू है, हरी मिर्च है, सब ऐड कर लूँगी, वो भी अच्छे से भून लूँगी। फिर यहाँ पे मैं थोड़ा सा देखिए इसमें पानी ऐड करूँगी और इसे खदखदने दूँगी। जब हमारा पानी खदखद जाएगा तो इसमें मैं जो राइस है वो हमें धो के डाल दूँगी। तो देखिए यहाँ पे हमारा पानी भी उबल गया है, तो यहाँ पे देखिए मैं चावल ऐड कर दूँगी, इसमें मैंने धो लिए थे अच्छे से, वॉश कर लिए थे। तो बस इतना सा ही खाना थोड़ा ही बनाती हूँ, लेकिन खाया नहीं जाता है रमज़ान के महीने में, रोजे से होते हैं। तो देखिए अभी हमारी अखनी बनने लगी है, तो अब बस इसमें 10-15 मिनट में ही हमारी अखनी बन जाएगी, अखनी बनने में देर नहीं लगती। तो यहाँ पर हरा धनिया और पुदीना भी मैं ऐड कर लूँगी और ये सब ढक लूँगी, तो ये हमारे 10-15 मिनट में कंप्लीट हो जाएगी अखनी। तो देखिए यहाँ पे हमारी अखनी भी बन गई है और सब अब हम खाना खाने बैठेंगे। तो ये थी मेरी जुम्मे का पूरा रूटीन, चलिए आप सभी हमारे साथ बिस्मिल्लाह कीजिए। तो देखिए अब इसके बाद में आपसे सहरी जो है वो मैं सहरी टाइम है वो आपसे शेयर कर रही हूँ। तो सहरी देखिए आज हमने क्या किया है, तो यहाँ पर गेहूं की रोटियाँ बना ली थी, नांद थी, चिप्स थी, तो ये येलो वाली चिप्स है ना बच्चियों को ज़्यादा अच्छी लगती है। तो यहाँ पे अच्छा मैं व्लॉग का एंड करती हूँ, तो चलिए इसी के साथ अगले वीडियो में मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।